विमल और मनीषा को तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, जिन्हें 8 साल में एक दूसरे से प्यार हो गया था और 14 साल में इन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली थी। इन दोनों की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं। मनीषा और सिमल ने शादी करने के बाद एक दूसरे का साथ छोड़ दिया और इसके बाद मनीषा ने किसी और से शादी कर ली और सिमल ने किसी और से, और फिर से मनीषा रोहित को छोड़कर सिमल के पास वापस आ गई हैं और सिमल के साथ ही रहने लगी हैं। आखिर इन तीनों की कहानी क्या है और अब सिमल मनीषा और रानी के साथ ही रहते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं इन तीनों की पूरी कहानी तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा ही हमसफर है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। पहले बात कर लेते हैं सिमल और मनीषा के बारे में। सिमल और मनीषा दोनों का घर पास ही पास था और दोनों ही एक बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ खेलते और मस्ती करते। जब दोनों 8 साल के थे तभी इन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ही एक साथ टिकटॉक पर वीडियोस बनाया करते थे। मनीषा और सिमल दोनों के ही पापा नहीं हैं। मनीषा की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से मनीषा की पूरी फैमिली कहीं और जाकर रहने लगी और इसके बाद सिमल और मनीषा दोनों अलग हो गए। सिमल को मनीषा की याद आने लगी तो सिमल ने सोचा क्यों ना वो मनीषा से शादी कर लें। तो सिमल ने अपने एक दोस्त को बुलाया और अपनी पॉकेट में सिंदूर और मंगलसूत्र लेकर मनीषा के घर पहुँच गए और मनीषा की पूरी फैमिली के सामने मनीषा से कहा कि उन्हें शादी करनी है। तो जैसे हाँ बोला ना, तुरंत पॉकेट से हम सिंदूर लगा दिए और उसी टाइम में मंगलसूत्र पहना दिए। तो बस फिर बोला कि, और इसके बाद मनीषा सिमल की फैमिली के साथ रहने लगी। दोनों साथ में वीडियोस बनाने लगे। इनकी वीडियोस भी काफी तेजी से वायरल होती हैं और कुछ महीनों बाद ही सिमल और मनीषा ने शादी तोड़ दी। मनीषा अपनी दीदी के घर और सिमल किसी और लड़की के साथ रहने लगे और एक महीने के बाद मनीषा ने अपनी दीदी के देवर रोहित के साथ शादी कर ली। लोग हमसे जलते हैं, जलते हैं इस बार। और इन दोनों ने शादी और प्यार जैसे पवित्र रिश्ते का मजाक उड़ाया और सारी लिमिट क्रॉस कर दी। मनीषा ने रोहित से शादी कर ली और सिमल ने रानी से। हम दोनों उस दिन सोलापुर में रेडी हुए थे शादी करने के लिए और रानी के लिए। और इसके बाद मनीषा और सिमल की काफी लड़ाइयां हुई और सोशल मीडिया पर इन्होंने एक दूसरे से बहुत भला बुरा कहा, एक दूसरे को फ्रॉड बताया। दोनों ही अपने YouTube चैनल पर ये वीडियो शेयर करते हुए नजर आए। सिमल और मनीषा दोनों के ही बीच काफी लड़ाइयां हुई और इसके बाद मनीषा ने सोशल मीडिया पर बताया कि वो प्रेग्नेंट हैं और मां बनने वाली हैं। तो फिर हम लोग की जो है अब फैमिली बना रहे हैं। मतलब फैमिली पूरी होने वाली है। हम दो के अलावा तीसरा नंबर आने वाले हैं ना दो। और अब मनीषा रोहित को फिर से छोड़कर सिमल के पास वापस आ गई हैं और सिमल के साथ ही रहती हैं, उनके साथ वीडियोस बनाती हैं। और अब सिमल सबको बताते हैं कि उनकी दो वाइफ हैं, रानी और मनीषा। और अब मनीषा ने फिर से शादी तोड़ दी और सिमल के पास वापस आ गई। इन दोनों ने प्यार और शादी जैसे पवित्र रिश्ते का खूब मजाक उड़ाया। और वहीं सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे लोग हैं जो मनीषा और सिमल को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों आप बताइए, मनीषा और सिमल ने सही किया या गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा ही हमसफर है, जो कीमत से नहीं किस्मत से। इसीलिए कहते हैं कि एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। इन बच्चों ने सोशल मीडिया पर हर रिश्ते का मजाक उड़ाया और इन दोनों को यूट्यूब से अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है, इसीलिए ये हर रिश्ते का मजाक उड़ाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। सिमल और मनीषा ने गलत किया या सही कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने सजेशन जरूर देना, मैं सबके कमेंट्स को रीड करती हूँ। थैंक यू गाइज़।